नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 29 जुलाई। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो फेड की मीटिंग से पहले हमने देखा कि सोने चांदी में सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दो दिन पहले हमने चांदी के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखी, बट कहीं ना कहीं कल मार्केट अपने आप को संभलता हुआ दिखाई दिया और सोने और चांदी में कल फ्लैटी स्टोन के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। एमसीएक्स बुलडेक्स में भी कल मार्केट 14,480 के करीब ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कल हमने देखा डेटा पॉइंट की तरफ से यूएस ट्रेड डेफिसिट का जो डेटा है वो अच्छा आया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डॉलर में स्ट्रेंथ बना, बट अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि फेड के जो अपडेट्स आए हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट को क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से सोने में फिर से तेजी आई है। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना है वो ऑलरेडी अब इकोनॉमी के रिबाउंड पे डिपेंड करेगा, और जिस ढंग से कल फेड ने क्लियरिटी दी है कि अभी भी इकोनॉमी ग्रोथ पे काफ़ी कंसर्न है या क्लाउडेड है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगले 2-4 सेशन में सोने और चांदी में अच्छी तेजी मिलेगी, जो एमसीएक्स बुलडेक्स को भी सपोर्ट करेगा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो 14,540 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। प्राइजेस अगर इसको तोड़ता है तो 14,640 से लेकर 14,750 तक का लेवल एमसीएक्स बुलडेक्स दिखा सकता है। वहीं कल के सेशन में आप देख सकते हैं सोने और चांदी में बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखाई दिया। शॉर्ट कवरिंग के चलते दोनों ही काउंटर में तेजी दिखाई दी। आज के सेशन के लिए हमें लगता है कि गोल्ड को लेके चलना चाहिए 27,600 के ऊपर, जो 47,850 का लेवल तोड़ के 48,000 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 66,500 का लेवल तोड़कर 68,000 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। वहीं क्रूड की बात करें, कल फ्रेश बाइंग के चलते प्राइसेस ने 5400 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया। कल इन्वेंट्री के अंदर हमने जो ड्रॉप आते हुए देखा वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकली भी 5380 के ऊपर पॉजिटिव जरूर है, बट सस्टेनेबिलिटी थोड़ी डाइजी है बिकॉज कोरोना के जो कंसर्न्स है वो स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते जा रहे हैं। आज का ट्रेड सेटअप पॉजिटिव रहेगा, 5440-50 तक का अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट दिखा सकता है। फेड रिजर्व की जो पॉलिसी आई है उसके अंदर हमने देखा है पॉसिबल डिटेल्स ऑन टैपरिंग ऑन असेट परचेजेस है। टैपरिंग मतलब कम करना, अगर असेट परचेजेस कम होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियसनेस रहेगा, बट ओवरऑल हमें लगता है गोल्ड को ये सपोर्ट कर सकता है बिकॉज एक तरफ हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही थी वो कहीं ना कहीं टैपरिंग होते हुए दिखाई देगी आगे जाकर। नेचुरल गैस में कल लोअर लेवल से हमने वापस बाइंग आती हुई देखी, आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा। इन्वेंट्री डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, आज के लिए प्राइसेस का रेंज है 294 से 300 का लेवल, 300 का लेवल तोड़ने पे ही हम वापस तेजी देख पाएंगे। बेस मेटल भी मिला जुला ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया क्योंकि चाइना से अभी तक कोई क्लैरिटी आई नहीं है कि चाइना का जो सेलिंग है वो कितनी हुई है क्या हुई है, बट ओवरऑल हमें लगता है सप्लाई कंसर्न के चलते बेस मेटल को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एलएमई पे आज पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिला, जहाँ पे कॉपर में 5% की तेजी, जिंक, निकल, लेड सभी में तेजी बनी हुई है। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो 1800 का लेवल तोड़कर 1820 पहुंच चुका है। कंटिन्यू 1812 के ऊपर होल्ड होने पे 1832 से 1840 के टारगेट के लिए गोल्ड लेके चलिए। चांदी 2520 के ऊपर $26 के लिए बाय करके चलिए। WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों में तेजी रहेगी आज, बाय ऑन ड्रॉप रहना चाहिए। नेचुरल गैस में दिन के सेशन में गिरावट और शाम के सेशन में इन्वेंट्री के बाद मार्केट में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। विक्स इंडेक्स बढ़े रहने की वजह से इक्विटी मार्केट में आज गिरावट रहेगी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते पूरे कमोडिटी काउंटर में एक पॉजिटिवनेस बना हुआ रहेगा। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूएस से एडवांस जीडीपी के डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में काफी इंप्रूवमेंट है जो डॉलर को सपोर्ट करेगा। तो आज दिन के सेशन में सोने चांदी को सपोर्ट रहेगा, बट इवनिंग सेशन में वॉलेटिलिटी हो सकती है और थोड़ा बहुत पुलबैक भी देखने मिल जाएगा। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में ड्रॉप है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। एमसीएक्स बुलडेक्स में लेके चलिए, 14,600 का लेवल तोड़ने पे 14,700 तक का लेवल मिल जाएगा। गोल्ड में बाय करके चलिए, 47,840 का लेवल तोड़ के 48,000 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिलेगा। नेचुरल गैस में एक पुलबैक रहेगा, 293-294 के करीब मिले लेके चलिए। 298-300 का लेवल टारगेट रहेगा, 300 के लेवल के ऊपर अच्छी तेजी रहेगी। निकल में लाइफ टाइम हाई बन चुका है, अभी भी तेजी है जो 1500 का लेवल जल्द क्रॉस कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए।